ओके सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फाइन, एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कहाँ है एटम? आपको दिख रहा है एटम? क्या क्या दिख रहा है आपकी क्लास में? क्या क्या चीज एटम से बनी है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो आपको दिख रहा है वो भी एटम है, जो नहीं दिख रहा है वो भी एटम है। अब बताओ जरा, कैसे वो एटम है जो नहीं दिख रहा है? क्या ऐसी चीज है जो आपको दिख नहीं रही रूम में लेकिन उसमें एटम है? एयर, ठीक है। एयर में कौन कौन है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब एटम से बने हैं, ठीक है। एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल पता है? जैसे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो H2 बनाता है। हमारे एयर में जो हाइड्रोजन है वो H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हमारी एयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये इंडिविजुअली एटम्स हैं और इनके कंबाइन करने से मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब आपने ये तो देखा कि एटम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, तो क्या एटम टूट भी सकता है? यस, ओके। तो अगर एटम के कंबाइन करने से मॉलिक्यूल मिलेगा तो एटम के टूटने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाइन्थ ए में सिमरन कौन है वो मुझे बता सकती है? कौन कौन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स सिमरन फ्रॉम नाइन्थ ए? यस, सिमरन मुझे बताएगी कौन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड, गो एंड सेट बेटा। तो वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, पर आप वो हायर क्लासेस में पढ़ते हो, अभी के लिए इतना काफी है कि तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। सो देखो, वैसे तो एटम के बारे में बहुत पहले से हमारे इंडियन साइंटिस्ट को, जो फिलोसफर्स थे या ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनको सबको पता था, लेकिन किसी ने कभी थ्योरेटिकल वे में, किसी बुक में कोई पब्लिश नहीं किया था कुछ भी। तो जो फर्स्ट पर्सन टू से समथिंग अबाउट एटम वाज, कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में थ्योरी दी थी? यस, ही वाज डाल्टन। सो डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी, जिनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। दैट इज इनडिविजिबल, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, आप उसको फर्दर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला वो अकेला एटम है। अगर जैसे मान लो आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो इन ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों हाइड्रोजन, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है तो ये डिफरेंट दिखेंगे। ऐसा उनका कहना था कि अगर सेम एलिमेंट है तो वो एक जैसे दिखता होगा सबका एटम, लेकिन अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। फिर बहुत सारे, मतलब उनकी थ्योरी को काफी लॉज भी ऑब्वे करते थे। लेकिन हुआ क्या कि टाइम के साथ डिस्कवरी हुई इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिनमें से सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ई नेगेटिव बना के हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, कैसे पता चला नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे? तो एक ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब होती है ग्लास की, इसको क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं। इस पे दो मेटल के पीसेस लगाएंगे, ठीक है, और इसको बना देंगे नेगेटिव वाला टर्मिनल, इसको लगा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां लगा देंगे वैक्यूम पंप, ठीक है, और बहुत हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो बहुत हाई वोल्टेज जब पास की और प्रेशर बहुत कम रखा, तो उस वक्त यहां से कुछ रेज निकलती हुई दिखती हैं, दिखती नहीं है सॉरी, सिर्फ रेज निकलती हैं। उनको डिटेक्ट करना पड़ता है। डिटेक्ट कैसे करते? डिटेक्ट करने के लिए यहां पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं, जिसमें जैसे ये रेस टकराएंगी ये ग्लो करेगा, हमें नहीं दिखेंगी, वो अगर ग्लो करेगा मतलब इसमें से कुछ रेस निकली। वो रेस पॉजिटिव प्लेट, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स यहाँ लगा दूं, तो ये पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रही थी। आपको पता है, आपने पढ़ा है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रेज जा रही हैं, इसका मतलब इन रेज पे क्या चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे हमें पता चला इन रेज को कहा गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से, ये जो है ना नेगेटिव टर्मिनल, इनको कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स वाले पार्ट में एनोड कैथोड पढ़े पढ़ा भी होगा शायद आपने, ठीक है। तो ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है रेज, इसीलिए इनको कहते हैं कैथोड रेज, और इन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं नेगेटिवली चार्ज, और इसमें वो कैथोड से ओरिजिनेट हुए, इसीलिए हम उनको कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट से एनोड रेज बनी और उन पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड रेज जब डिस्कवर हुई, तो एनोड रेज से हमने डिस्कवर किया प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पे है पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रेज से हमें मिले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब ये दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तब थॉमसन ने इन दोनों को मिला के एक मॉडल बनाया था। क्या नाम था उस मॉडल का? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखो, डाल्टन ने सिर्फ थ्योरी दी थी, उन्होंने कोई मॉडल नहीं बनाया था कि जी ऐसा दिखता है मॉडल, उनका नहीं था। लेकिन थॉमसन ने एक प्रॉपर पिक्चर बनाई थी कि ऐसा दिखता है एटम। आप बताओ कैसा, क्या नाम था उसका जो थॉमसन ने मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, खाया है सबने वाटरमेलन? यस, ठीक है। तो आप उसका कौन सा पार्ट खाते हो? रेड वाला। सीड्स भी खाते हो उसके? मतलब आप उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट खाते हो, नेगेटिव पार्ट नहीं खाते, क्योंकि जो थॉमसन थे उन्होंने अपने मॉडल में ये कहा था कि एटम, पहली बात वो स्फेरिकल है, ठीक है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि सारा पॉजिटिव, जैसे पूरा रेड वो पार्ट पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एम्बेडेड होगा उसमें। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी, उन्होंने ये कहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें, उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एटम न्यूट्रल होता है,
ये बहुत बड़ा उनका प्लस पॉइंट बन गया, क्योंकि देखो ये मॉडल तो गलत था, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक जितनी सोर्सेस, जितनी नॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंग दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तब तक डिस्कवर हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है और इसी वजह से एटम न्यूट्रल है और स्टेबल है, क्योंकि किसी भी एटम को न्यूट्रल होना जरूरी है, न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो ही वॉज वेरी अप्रिशिएटेड, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला इसके लिए, लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से, रदरफोर्ड आए, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त तक ये थे, आपने मुझे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए, तो जिस वक्त थॉमसन का मॉडल बना था उस वक्त तक सिर्फ ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, जिसमें थॉमसन ने ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूट्रॉन अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। अब अच्छा, ये पता है आपको, ये चार्जेस आपने कभी नोटिस किए, ये चार्जेस कहीं पर, कि कैसे पता चला होगा कि चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं जब वो न्यूट्रल है तो। अच्छा, हम जब छोटे तो हम तो बहुत करते थे ऐसा, कि कोम का तो बोलते हैं, हमारे पास कोम तो हम लेके नहीं जाते थे स्कूल में, हमारे पास स्केल होता था। और उस टाइम पे हम मतलब पूरा ऑयलिंग भी करते थे, दो प्लेट्स बना के उनको फोल्ड करके स्कूल जाते होते थे, राइट। तो हम क्या करते थे, उस स्केल को पूरा ऐसे सिर पे रब करते रहेंगे और पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे फैला के उसको अट्रैक्ट करते रहते थे, ठीक है। तो वो पेपर के पार्टिकल्स उस स्केल से स्टिक होने लग जाते थे। तो कोई बता सकता है, किसी ने किया है पहले बताओ, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डन दिस। ओ, यू हैव ट्राइड इट, ओके। तो आप ये बताओ कि ऐसा होता क्यों है, वो पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी हैं वो क्यों स्केल के साथ स्टिक करते थे। क्योंकि उस स्केल पे चार्ज डेवलप हो जाता है। अब चार्ज कैसे डेवलप हुआ, तो ये कहता कि जो भी मैटर है वो एटम से बना है, एटम जो है इन चार्ज जो पार्टिकल से बना है, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो न्यूट्रल है, लेकिन इसमें चार्जेस तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो हम वहां से प्रूव कर पाए थे कि हाँ देखो, चार्जेस है, आपके स्केल भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, आपकी कोम भी चार्ज हो सकती है, जस्ट बाय रबिंग इट, ठीक है। तो ग्लास रॉड भी ऐसे हमने एबोनाइट रॉड के साथ भी किया था। तो ये हो गया हमारे पास कि जो चार्जेस है वो मैटर में हर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो अट्रैक्ट कर सकते हैं चीजों को, फाइन। अब इसके अलावा जो थर्ड पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इट हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने, ठीक है। चैडविक कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, बेरिलियम और हीलियम को आपस में स्ट्राइक करवा रहे थे, तो एक नया पार्टिकल उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसा सा कुछ पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज तो नहीं है, ठीक है, चार्ज उसके पास नहीं है, लेकिन उसका मास था, ठीक है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट है आपके पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। ये जो थॉमसन का मॉडल फेल हुआ वो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही हुआ। अब रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स पे क्या किया, एक गोल्ड की थिन शीट लेके, ठीक है, गोल्ड फॉइल लेके, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कराए। अल्फा पार्टिकल्स इज हीलियम पार्टिकल्स, ठीक है, He2 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये हीलियम के, ठीक है, ये हैं अल्फा पार्टिकल्स।
और ये रही हमारी गोल्ड फॉइल जिसमें से थिन शीट है, और इसमें से अब ये हीलियम की अल्फा रेज ये स्ट्राइक करवाएगी, ठीक है। तो इसको उन्होंने सोर्स क्या है, अच्छा रेडियो एक्टिविटी समझते हो, आपने सुना है ये चीज रेडियो एक्टिव है, या कभी ऐसा कोई मूवीज में देखा है जिसमें रेडिएशंस की बात की हो, कोई फिक्शन साइंस फिक्शन मूवीज, रेज योर हैंड्स इफ यू सीन एनी मूवी जहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की बात हुई हो, या कोई न्यूक्लियर प्लांट हो, नहीं सुना? ओके, आप सबने पीरियोडिक टेबल देखा है? देखा है? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118, ठीक है। उन 118 में से जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, वो होते हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियम सुना है? रेडियम, यूरेनियम सुना है? यस मैम, कुछ तो सुना है, ठीक है। चलो, मेरा मकसद ये है पूछने का कि जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से तीन तरह की रेज निकल सकती है, जैसे अभी हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किया ना, बस वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से भी तीन तरह की रेज निकल सकती हैं। एक हो सकती है अल्फा रेज, एक हो सकती है बीटा रेज, एक हो सकती है गामा रेज। अल्फा रेज होती है पॉजिटिव चार्ज वाली, बीटा होती है नेगेटिव वाली, और गामा होती है न्यूट्रल, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जैसे हमने एटम का किया, वैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल में से भी इस तरह की रेज निकलती हैं, जिनमें से हम नहीं, रदरफोर्ड ने स्ट्राइक करवाई थी, ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके उसमें से अल्फा रेज स्ट्राइक करवाई, ठीक है। तो जब ये अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैक्सिमम रेज तो सीधी पास कर जा रही है, ठीक है, कुछ रेज कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर जा रही हैं, ठीक है, और कुछ रेज जिस रास्ते जा रही हैं उसी रास्ते वापस भी आ जा रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम सीधी पास कर रही हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर रही हैं, और कुछ उसी रास्ते वापस आ जा रही है। थ्री ऑब्जर्वेशंस जिसकी हम बात करेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब उन्होंने क्या इन्फ्रेंस निकाली कि क्या मतलब होगा अगर मैक्सिमम रेज सीधी पास कर रही है, इसका मतलब एटम में बहुत खाली जगह है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एन एटम, राइट। फिर वो कहते हैं अगर यहां पर ये किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो क्या मतलब है इसका, ये मतलब है हमने कौन से चार्ज की रेज डाली थी, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अगर यहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपको पता है ना, लाइक चार्जेस व्हाट डू दे डू, डू दे रिपेल और डू दे अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो कहता अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तभी ये अल्फा रेज उस पॉजिटिव से रिपेल होके किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में ये वाली हमारी थर्ड हमने लिखी है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ लिखी है उसमें हम लिख देते हैं कि यहां पर ये लगा हमारा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट मींस कि एटम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, यहाँ सेंटर में। आपको कैसे पता कि सेंटर में है, क्योंकि कहता यहाँ पर बहुत थोड़ी सी रेज, जस्ट 1 आउट ऑफ 20,000, इतनी कम रेज इतनी सी जगह से
वापस स्ट्राइक बैक कर रही हैं। इसका मतलब यहां पर कोई डेंस पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर से सुनो, क्या थी उनकी तीन ऑब्जर्वेशंस कि कुछ मैक्सिमम रेज सीधी पास कर रही हैं। सीधी पास करने का मतलब यहां पर क्या है, एम्प्टी स्पेस है, कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हमारी रेज भी पॉजिटिव थी, उसको रिपल्शन मिल रही होगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा, बहुत थोड़ी सी रेज अपने रास्ते वापस आ जा रही हैं, मतलब यहाँ पर जो भी चीज है वो बहुत डेंस है। ठीक है, वही डेंस चीज जो है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसी पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखोगे भी आप जो मैं बोलूंगी? ओके, तो डिक्टेट करूं या लिख दूं मैं बोर्ड पे? रेज योर हैंड्स यू वांट मी टू राइट ऑन द बोर्ड एंड रेज योर हैंड्स यू वांट मी टू डिक्टेट। ओके, मतलब डिक्टेट करने वाले ज्यादा हैं। चलो फिर मैं डिक्टेट करती हूँ, बी केयरफुल, और जो वर्ड नहीं समझ आएगा वो पूछना। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? मुझे भी क्लियर आ रही है तुम्हारी भाई। चलो, सो गिव हेडिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट हम ये वाला लिखेंगे कि मैक्सिमम रेज पास कर गई, दैट मींस एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहले आप लिखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट पॉइंट, अगर फास्ट होगा तो आस्क मी टू स्टॉप। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल पास्ट थ्रू इट। ये मेजर फ्रैक्शन जो है रेज का वो गोल्ड फॉइल में से पास कर गया। ठीक है, आई रिपीट, अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल पास्ट थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो वॉट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, राइट? सो
साथ में डिफ्लेक्शन के बाद लिखो, एंड हेंस, एंड हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. फर्स्ट पॉइंट इज डन. अब हम करेंगे ये डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट इज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड were deflected by the gold sheet, by the gold sheet या gold foil आप लिख सकते हो, by very small angles. Very small angles. ठीक है, कुछ एंगल से वो किए तो मतलब ये पॉजिटिव. अब यहां पर देखो कि थॉमसन ने बोला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता पॉजिटिव चार्ज तो हर तरफ से डिफ्लेक्शन होनी थी, लेकिन सारी तरफ से डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है. जो न्यूक्लियस के पास वाली रेज हैं उसी जगह से डिफ्लेक्शन हो रही हैं. दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो दिस लेड टू फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल. कि जब उनको ये लगा कि भी एक जगह से हो रही हैं डिफ्लेक्ट, सारी तरफ से इक्वली डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं. ठीक है, सो आई रिपीट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फॉर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड फॉइल बाय वेरी स्मॉल एंगल्स एंड हेंस and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed, is not uniformly distributed. ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कैसा है? सेंटर में कंसंट्रेटेड है. तो थर्ड पॉइंट लिखो, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड in a very small volume, in a very small volume. ठीक है, और ये कैसे पता चला था हमें दैट इट इज कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम? बिकॉज बहुत कम रेज ने अपना पाथ रिट्रेस किया था. ठीक है, सो लास्ट पॉइंट लिखो इसका, वेरी फ्यू of the alpha particles of the alpha particles were deflected back that is only a few alpha particles Only a few alpha particles had nearly 180 degree of deflection.
पूरा 180 डिग्री से उसको वापस भेज दिया, ठीक है। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैड नियरली 180 डिग्री ऑफ डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? अगर वो 180 से बहुत थोड़ी सी जगह से 180 डिग्री से रेज बैक जा रही हैं, दैट मींस राइट डाउन, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय the positively charged particles in an atom is very small as compared to the total volume of an atom as compared to the total volume of an atom. राइट सो ये तो हो गया कि उन्होंने स्केचिंग एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें ऑब्जर्व की। आप ये ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा क्लियर पिक्चर और चाहते हो, यू कैन जस्ट ड्रॉ 3 लाइंस शोइंग 3 ऑब्जर्वेशंस। राइट, कि यहाँ सेंटर में तो न्यूक्लियस है, चलो वो तो हम डिस्कवर करें। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आप ये दिखा दो, यहाँ से जाती हुई, यहाँ से डिफ्लेक्ट करती हुई, और यहाँ पर अपना पाथ रिट्रेस करती हुई, ये 3 रेज दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो एम्प्टी स्पेस की वजह से, यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और यहाँ पर लिख दो डेंस स्मॉल, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ये पिक्चर अपने माइंड में क्लियर रखनी है। एक एटम हमने बनाया है, वैसे तो शीट में बहुत सारे एटम्स होते हैं, पर ये 3 मेन ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे उनको उनका मॉडल जो उन्होंने तैयार किया, जो कि चला नहीं क्योंकि उसमें वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, पर हम उस मॉडल को कि क्या फीचर्स थे उसके, जो यही कि सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये लिखेंगे, और फिर उनके ड्रॉबैक्स कि वो क्या नहीं बता पाए थे, किस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फटाफट बनाओ इसको ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट्स लिखा सकूं फिर आपको। डन, आई होप यू हैव डन इट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दैट देयर इज पॉजिटिवली There is positively charged center in an atom which is called nucleus. Right, this is the first point. Then you can write the इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सेंटर में तो न्यूक्लियस है वो हमें पता चल गया, और इसी से रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो डिस्कार्ड हो गया था क्योंकि रदरफोर्ड ने सेंटर में नहीं बोला था न्यूक्लियस के लिए, उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, लेकिन रदरफोर्ड कहता है पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, एकदम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड पाथ्स या वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स हैं सर्कुलर पाथ्स हैं उसके लिए, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दो पॉइंट्स थे, और थर्ड पॉइंट है, आई एम राइटिंग इट ऑन द टॉप। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वो ये कहते थे जैसे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्रिकेट बॉल कितना छोटा है ग्राउंड के कंपैरिजन में बॉल, वैसे ही एटम के बीच में न्यूक्लियस इतना छोटा होता है जैसे क्रिकेट ग्राउंड के बीच में बॉल, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ, वेरी भी लगा लो, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये थ्री पॉइंट्स है आपके रदरफोर्ड मॉडल के, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी ज्यादा नहीं चला। हालांकि इनकी जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है जिसकी वजह से डाल्टन का मॉडल डिस्कार्ड हुआ, दैट वाज अबाउट न्यूक्लियस। इन्होंने ये बोला न्यूक्लियस सेंटर में है। इसके बाद जो मॉडल आता है बोहर मॉडल, वो उसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में है। वो आप इस क्लास में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी एक मॉडल है जो अभी करंटली फॉलो हो रहा है, जो आप इस क्लास में नहीं, आप प्लस वन में पढ़ोगे, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी सही है कि वो उधर उसके ऑर्बिट्स में वो है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे वो है, लेकिन रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि कैसे वो घूमते कैसे हैं, ठीक है। तो ये उनके ड्रॉबैक, सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज ही एक्सप्लेन्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे इन एन एटम दे आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, कि सेंटर में न्यूक्लियस है। उनको ये पता था कि इसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन कैसे घूमते हैं वो ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो दे आर अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। एंड पार्टिकल्स इन ऑर्बिट दे एक्सिलरेट। अब एक्सिलरेट करने का क्या मतलब है? अब यहां पर ही उनको प्रॉब्लम आई। उन्होंने बोला सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूम रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी क्या थी कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला पार्टिकल है ना, वो कहता जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। जैसे सपोज मैं आप लोगों को एक ग्लूकॉन डी का ग्लास पिला दूं और बोलूं बेटा अब तो तुमको बस जिंदगी भर चले रहना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको मैंने चार्ज कर दिया एक ग्लूकॉन डी का ग्लास पिला के कि हाँ जी अब मैंने आपको चार्ज कर दिया, लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कोई मेहनत करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा,
ठीक है, और एनर्जी लूज करके एक टाइम आएगा जब वो थक जाएगा, वो गिर जाएगा। तो वैसे ही मैक्सवेल ने बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये घूम रहा है तो ये घूम के एनर्जी लूज करके गिर जाएगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम खत्म, एटम खत्म तो मैटर खत्म, मैटर खत्म तो पूरी दुनिया खत्म, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो यही प्रॉब्लम थी, यही ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे है। ठीक है, समझ आया कि वो ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है। राइट, बाकी सब सही था, वो बस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो लास्ट लाइन बस ऐसे लिख लो, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक्सेल चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके गिर जाता तो ये एटम खत्म हो जाता, तो गिरता नहीं है, और ना उनका एटम में कुछ कुछ खराबी भी नहीं थी, मगर उनको बस बस प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं करना आया, जिसकी वजह से बोहर का मॉडल आया, जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर ये पढ़ते हैं कि बोहर ने ऐसा क्या बताया कि एटम कैसे स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आज हम रदरफोर्ड तक ही करेंगे। तो चलो जरा क्वेश्चंस करते हैं, टेक आउट योर असाइनमेंट्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, रीड द क्वेश्चन, ट्राई फाइंडिंग द आंसर। फिर मैं पूछूंगी आप में से, चूज करके, मेरे पास सबके नेम्स हैं। पढ़ा सबने फर्स्ट क्वेश्चन? क्या पढ़ा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने जो पढ़ा, आप उससे कौन सा कंक्लूजन नहीं दे पाते हो? फर्स्ट वन इज, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये किया हमने कि मैक्सिमम रेज जो है वो सीधी पास कर जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, दिस इज राइट। सेकेंड इज, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10^-10 मीटर, वाइल द न्यूक्लियस इज अबाउट 10^-15 मीटर। अब उन्होंने ये तो बताया कि बहुत छोटा है, जो सेंटर में छोटा सा पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट ग्राउंड और क्रिकेट बॉल के जितना, तो 10^-15 छोटा हुआ एज कंपेयर टू 10^-10। ठीक है, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट इज, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब देखो, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है,
वो मैंने कहा ही न्यू बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट, ठीक है, उनको पता था कि घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट। तो मैंने आपको पिछले पेज पे इस तरीके से एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे, खाली जगह भी थी, एम्प्टी स्पेस भी था, इलेक्ट्रॉन्स घूमते भी थे, लेकिन बस यही था कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, घूमते घूमते एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो कहीं न्यूक्लियस में गिर के खत्म ना हो जाए, पर खत्म तो हुआ नहीं। तो बस यही वो नहीं बता पाए थे कि वो कैसे न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ में कैसे घूमते हैं, वो ये चीज नहीं बता पाए थे। ही न्यू कि वो ऑर्बिट्स हैं, ही न्यू कि ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन फिर वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि कैसे वो फिर भी स्टेबल होता है जो मैक्सवेल ने ऑब्जेक्ट किया था। सो ही कुड नॉट टेल दैट इलेक्ट्रॉन्स दे मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जीज, वो एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उनकी फिक्स्ड एनर्जी कैसे है। ऑर्बिट्स पता थे लेकिन फिक्स्ड एनर्जी कैसे है ये बोहर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज कौन सी थी, मैंने आपको बताया था कैथोड रेज क्या चीज डिस्कवर हुई थी कैथोड रेज में, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हु इज जग कॉर फ्रॉम पी, कैन यू गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कैथोड रेज की। जगजीत कौर, पॉइंट्स है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, कैथोड बनाया था, एनोड बनाया था, यहां से रेज निकली थी। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था ये कैथोड था, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो था वो एनोड था, ठीक है। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? यस। सेकंड इज द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब तक आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे इन रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पॉजिटिव प्लेट लगा दूं तो बताओ जरा ये कैथोड रेस अपवर्ड जाएंगी या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, ठीक है। तो जब तक नहीं लगाओगे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जब जब प्लेट्स लगाओगे तभी डिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब। इसका क्या मतलब है? ये जो कैथोड रेज है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? कैथोड से, ठीक है। यहाँ पर जो मर्जी गैस हो इनको फर्क नहीं पड़ता, ये नेचर पे नहीं डिपेंड करती। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बोलो। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। किसने बोला ऑप्शन डी सही है? हाँ, ऑप्शन डी फॉल्स है इसका आंसर। ऑप्शन नॉट करेक्ट, ठीक है, ओके, वेरी गुड, प्लीज सर। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? फर्स्ट इज, हाँ जी अभी पढ़ने दो। फर्स्ट इज इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इज दिस ट्रू? क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है? हुज शिवांग राणा फ्रॉम 9th A, कम फॉरवर्ड बेटा। हाँ जी, या फर्स्ट स्टेटमेंट वाज इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकंड इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इज दिस ट्रू? क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है? अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। क्या बेटा?
I can't hear you. Any one of you can come forward and tell me. Option C. Option C kehta hai, it is basic constituent of all atoms. No, of cathode rays. Okay, this is incorrect. It is a constituent of cathode rays. It is basic constituent of all atoms. Mass of electron is equal to mass of neutron. मुझे बताओ तो मुझे आपका आंसर नहीं पता चला आपने क्या आंसर दिया. ओके बी ऑप्शन अभी मुझे सुनाई दिया. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इनकरेक्ट. फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स. सबसे अच्छा क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन किया था मैंने उनको. मैंने आपको बताया था सबसे प्लस पॉइंट उनका यही था कि उन्होंने ये बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है. राइट ओके. देन एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ. एक्सक्यूज मी मैम, टाइम इज ओवर. ओके तो विल यू बी डूइंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एट होम? मैम यस. ओके देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. एंजॉय बेटा. Thank you.